बस संचालकों की दादागिरी और अभद्र व्यवहार करने से NSUI कार्यकर्ता नाराज थे। उन्होंने पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के पास बस स्टॉप बनाए जाने से संचालकों पर कार्यवाही की मांग को लेकर शनिवार को हाईवे पर चक्का जाम किया था। NSUI की मांग पर रविवार को तहसील कार्यालय में प्रशासन ने बैठक का आयोजन किया। प्रशासन ने बैठक में बस संचालकों को यात्रियों के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करने और लाने ले जाने में परेशान नहीं करने के लिए पत्र लिखने की बात कही। वहाँ पर बस स्टॉप बनाए जाने की मांग पर प्रशासन ने प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात कही है। गौरतलब है कि इस मांग को लेकर शनिवार को NSUI कार्यकर्ताओं ने पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के सामने इंदौर कोटा हाईवे मार्ग पर 45 मिनट तक चक्का जाम किया था। उसके बाद SDM राजेंद्र रघुवंशी सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां पहुंचकर बैठक करने और समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। NSUI के राष्ट्रपति सचिव अंकुश भटनागर ने बताया कि प्रशासन द्वारा सहयोग करने के बाद भी बस संचालक फिर से किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार करते हैं तो NSUI फिर से आंदोलन करेगी। SDM रघुवंशी ने बताया कि बस संचालकों को पत्र जारी किया जा रहा है और उन्हें हिदायत दी जा रही है। बस स्टॉप वहाँ बनाए जाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, जिससे समस्या का स्थायी हल हो सके। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।